करेंगे जो आर्मी की हमारी जो वैकेंसी आई है 8,000 पदों के लिए, 8,000 प्लस जो टीजीटी और पीजीटी और पीवीआर के शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है उसके लिहाज से हम आपको परीक्षा की बेसिक तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही आप दोस्तों ये भी याद रखना कि जो एक एग्जाम है वो पर्टिकुलर किन किन प्रिपरेशन की इसमें जरूरत पड़ती है, और साथ ही में हम इसमें देखेंगे कि जो भी आवश्यक बाबत है जैसे कि कितने मार्क होते हैं, कितनी मिनटों में हमको यह पेपर खत्म करना होता है, किस तरह से परीक्षा ली जाती है, और अगर हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत पड़ता है तो क्या उसके मार्क्स काटे जाते हैं। इन सभी तथ्यों को हम बेहद महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे, और साथ ही में आप सबको मैं बताऊंगी कि इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करने वाले हैं। साथ ही में आप एक बात और भी नोट कर लीजिएगा, आने वाली सभी हिंदी परीक्षाओं जैसे कि CTET होती है, जैसे कि आर्मी वैकेंसी होती है, नवोदय एग्जाम होती है, तो उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन सटीक रूप से हो इस वजह से ज्ञान झलक हिंदी का आरंभ किया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये उन छात्रों के लिए है जो UGC नेट स्लेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए है जो CTET की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही में ये उन छात्रों के लिए है जो करंट अफेयर नियमित रूप से देखना चाहते हैं। एक ना छोटा सा प्रयास है आपको जो मेरे पास है उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बना दिया है, तो कृपया करके इस भी चैनल को जिस तरह आप ज्ञान झलक गुजराती को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह ज्ञान झलक हिंदी को भी सपोर्ट करते रहे। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्मी के सिलेबस के बारे में। काफी सारे कमेंट मेरे को जो मैंने गुजराती वीडियो डाला था उसमें मिले हैं, और उसी के साथ आज आपकी कुछ समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं आर्मी भर्ती सिलेबस के बारे में। पीजीटी और टीजीटी के लिए वीडियो है, साथ ही में मैंने आपको बता दिया कि सभी की 8,000 जितनी वैकेंसी है। हिंदी और अंग्रेजी ये दो माध्यम में हमारी एग्जाम जो है वो ली जाएंगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ली जाएंगी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं LIC की एग्जाम होती है वो ऑनलाइन होती है, केंद्र सरकार की जो भी एग्जाम है मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी पूर्व आर्मी के पेपर है वो सभी आपके ध्यान पर लाऊं जिससे आप सटीक रूप से उसकी तैयारी कर सकें। साथ ही मैं आपके लिए जो भी बेहद महत्वपूर्ण बुक्स है उसकी भी सूची मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले हमको समझना है कि इसके जो पेपर नंबर 1 में आता है वो अभ्यास कौन सा हमको करना है। तो देख लीजिए कुछ कुछ खास बातें नोट करनी है और कुछ ज्यादा नहीं है। जिस तरह हम अपनी गुजराती एग्जाम देते हैं टेट और टाट जिसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान आता है, उसी के दौरान ये शैक्षणिक मनोविज्ञान मेथड मनोविज्ञान शैक्षणिक और के जो मनोविज्ञान के छात्रों से जुड़े क्वेश्चन होते हैं वही हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं इंग्लिश पूछा जाएगा, यहाँ पर जो हमारी गुजराती ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे। साथ ही में तार्किक तार्किक है वो भी आपको मैं सिखाने की लाइव ही कोशिश करूंगी जहां तक, क्योंकि तार्किक आपको लाइव काफी ज्यादा समझ में आएगा तो तार्किक हम लाइव में जानेंगे। सामान्य ज्ञान इसका वीडियो आपको समय अंतर पर मिलते रहेंगे। तो कुल रूप से बताए तो हमारा जो मनोविज्ञान है उसकी अगर हम सटीक तैयारी करेंगे तो हमको बेहद महत्वपूर्ण मार्किंग है वो मिल सकेंगी और हम बेहद अच्छा स्कोर अपना कर पाएंगे। बाद में आपको मैं अगर समझाऊं तो मार्क है उसके कितने हैं जो भी पेपर है वो पेपर नंबर 1 एंड 2 में डिवाइड होंगे। एक आपका जो भी सब्जेक्ट है वो पेपर नंबर 2 के लिए रहेगा, और सब्जेक्ट के अंतर्गत काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊं तो 90 मार्क्स है वो आपका जनरल पेपर का रहेगा। जनरल पेपर यानी कि कोई भी सब्जेक्ट वाला कोई भी छात्र है वो इस परीक्षा को देगा तो उसके अनुरूप पेपर नंबर 1 सभी को सीमित आएगा, और पेपर नंबर 2 जो भी सब्जेक्ट का है उस छात्र को सीमित आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो ABCD टाइप को पेपर्स होते हैं उसी तरह के यहाँ पर MCQ टाइप पेपर होंगे। और अगर हमारे एक प्रश्न और भी होता है, क्या प्रश्न है, काफी ज्यादा
टाइम हम पूछते हैं कि क्या माइनस नेगेटिव सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 1/4 का माइनस नेगेटिव सिस्टम है। और ये जो नेगेटिव सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका एक प्रश्न गलत पड़ेगा तो आपका 0.25 मार्क है वो कट हो जाएगा। खास ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। तो इतनी छोटी सी वीडियो के साथ हमने सिलेबस और कॉन्सेप्ट और मार्किंग है वो आपका कवर करवाया है। आपके कमेंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी दीजिए, उस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर ले जो डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही में दोस्तों आपसे वादा करती हूँ, आर्मी के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका तो मैं अलग से आपको वीडियो दे ही दूंगी। साथ में बायो मनोविज्ञान का जिस तरह हम टेक में प्रिपरेशन कराते थे, टाट में प्रिपरेशन कराते थे, उसी तरह आपको यहाँ भी प्रिपरेशन करने को मिल जाएंगी। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।